ज्ञानवापी सर्वे का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक घंटे का अनकट वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया टीवी पर हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सर्वे के दिन कैमरे में रिकॉर्ड हुई। तीन दिनों के ज्ञानवापी सर्वे में सबूतों का खजाना मिला है। ज्ञानवापी के कोने कोने में महादेव के मंदिर की निशानियां मिली हैं। शिवलिंग, त्रिशूल और डमरू ज्ञानवापी में जितने पत्थर हैं उतने त्रिशूल मिले हैं। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी को मस्जिद बताता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके कहा है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं खोने देंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि मस्जिद में त्रिशूल के निशान कैसे आए, कब बनाए गए। ज्ञानवापी सर्वे में सबसे बड़ा सबूत तो वजू खाने में मिला शिवलिंग है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा था। वीडियो एकदम क्लियर है, साफ साफ दिखता है कि वह फव्वारा नहीं शिवलिंग है। वजू खाने का पानी जैसे हटाया गया, अंदर से शिवलिंग मिला, वहां फव्वारा का कोई पाइप नहीं मिला, ना ही मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग फव्वारे को चलाकर दिखा पाए। 353 साल पहले औरंगजेब ने मंदिर तो गिरा दिया था, लेकिन वो महादेव का सबूत नहीं मिटा पाया। ज्ञानवापी के गुंबद, दीवार, तहखाने में सबूतों का खजाना भरा हुआ है। जितने भी स्तंभ लगे हुए हैं, सभी स्तंभों पर त्रिशूल का निशान नजर आता है। आप इन स्तंभों को गौर से देखिए, ये देखिए एक और त्रिशूल का निशान, और ऐसे ही जितने स्तंभ आपको नजर आएंगे ज्ञानवापी के अंदर, मस्जिद के अंदर जितने भी स्तंभ हैं, ये सारे स्तंभ मंदिरों के स्तंभ जान पड़ते हैं। पहली नजर में पता चलता है कि ये मंदिरों के स्तंभ हैं। और ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवलिंग का सबसे नया वीडियो सामने आया है। वजू खाने के बीचों बीच शिवलिंग मौजूद है। सर्वे टीम ने यह सच देखा है, वीडियो कराई इसकी, फोटोग्राफी कराई इसकी, और उसके बाद पानी में किस तरह से शिवलिंग को छिपाया गया था। विष्णु शंकर जैन थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, वो बता रहे थे वजू खाने में पानी बढ़ा दिया गया था, पानी के लेवल को ऊपर कर दिया गया था जिससे शिवलिंग सर्वे टीम को ना दिखे। लेकिन रिक्वेस्ट करने पर 16 तारीख को एक्सटेंड किया गया सर्वे। 16 तारीख को जब वजू खाने को सुखाया गया, प्रेशर पंप लगाकर पानी निकाला गया, तो शिवलिंग प्रतीत हुआ, शिवलिंग प्रकट हुआ जो इस वक्त आपकी तस्वीरों के सामने है। शिवलिंग के ऊपर एक पत्थर दिखता है, पत्थर ऐसा लगता है कि अलग से जोड़ा गया है। वहां कुछ बातचीत भी चल रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए यहां पर यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप जो ये शिवलिंग निकलाई, जो पत्थर दिख रहा है 2.5 फीट का, आप इसे क्या कहेंगे। ये सवाल हिंदू पक्ष की तरफ से वहां पूछा जा रहा है। जब ये शिवलिंग निकला तो वहां हर हर महादेव के नारे लगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बाबा मिल गए। लेकिन वजू खाने की इस तस्वीर को आप देखिए, उस कुएं तक पहुंचने के लिए वजू खाने के बीचों बीच जो कुआं बना हुआ था, सीढ़ियों की व्यवस्था करनी पड़ी। सीढ़ी लगाकर वहां पर लोग गए, उसके बाद वजू खाने के बीच जो कुआं बना हुआ था उसमें पानी सुखाया गया। पानी सुखा के जब वहां पर तस्वीर देखी गई तो वहां साफ तौर पर दिखा कि वहां शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर एक आकृति चक्री जैसी फिट करने की कोशिश की गई है। एक पत्थर में अनुमा आकृति है जिसे फिट किया गया है, जिसे फव्वारा बताया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। लेकिन तस्वीर एकदम क्लियर है, एकदम साफ है कि वो शिवलिंग ही नजर आ रहा है। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से जैसे ही आप ज्ञानवापी में प्रवेश करते हैं, वैसे ही सामने मैदान में आपको वजूखाना मिलता है। वजूखाने के बीचों बीच एक कुंड है जिसके बारे में मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उसमें फव्वारा लगा है। लेकिन आपको बीच बीच में हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हर एक स्तंभ चीख चीख कर कह रहा है, हर एक निशान चीख चीख कर कह रहा है कि ये पहले मंदिर हुआ करता था। ये देखिए अब ये वजूखाने की तस्वीर जहां शिवलिंग मिला, फव्वारे का ना तो कोई पाइप मिला, ना मुस्लिम पक्ष का वो दावा क्लियर हुआ कि ये फव्वारा है। तो सर्वे टीम ज्ञानवापी के अंदर गई तो दीवारों पर त्रिशूल मिले, डमरू मिले, गुंबद पर चढ़कर देखा गया तो गुंबद के नीचे मंदिर का शिखर मिला। वजू खाने में पहुंची सर्वे की टीम तो शिवलिंग निकल आया, जो शिवलिंग इस वक्त अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक डिटेल इंडिया टीवी आपको बता रहा है, आपको दिखा रहा है। ज्ञानवापी के सर्वे के सबसे पुख्ता सबूत आपके सामने रख रहा है। नंदी 85 फीट की दूरी से इसी शिवलिंग की ओर देख रहे हैं। नंदी का मुख और शिवलिंग की दूरी आप मापेंगे तो 85 फीट आपको ये दूरी नजर आएगी। और इस अगर नंदी का मुख आप देखेंगे तो इसी शिवलिंग की तरफ नंदी का मुख है। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी ठीक शिवलिंग की तरफ देख रही है, इसलिए वजू खाने के पानी को सुखाया गया था।
हमारे साथ धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। देवकी नंदन जी, वीडियो क्लियर है, सब कुछ साफ हो चुका है, तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं, और जो वीडियो इंडिया टीवी दिखा रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि 2.5 फीट का एक शिवलिंग नजर आ रहा है वजू खाने के बीचों बीच। जी देखिए, ये तो हम लोग पहले से ही कह रहे थे, भगवान की कृपा से बाबा भोलेनाथ आज सोमवार के दिन पधारे, हम सब भारतीयों को जगाने के लिए पधारे। हम लोग सब जितने भी भारतीय हैं, सनातन पद्धति को मानने वाले लोग हैं, उन सबको जगाने के लिए विवेक जी भगवान भोलेनाथ आए हैं। मानो कह रहे हो कि कब तक तुम गहरी नहीं सोते रहोगे, तुम्हारी आत्मा को दबाया जाएगा, तुम्हारी भावनाओं को दबाया जाएगा, तुम्हारे देवी देवताओं को खंडित किया जाएगा, छुपाया जाएगा, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा जाएगा। आखिर तुम कब तक छुपे रहोगे, कब तक बैठे रहोगे, और कब तक सिर्फ रोटी और कपड़ा और सिर्फ खाने पीने की बात सोचते रहोगे। अरे कुछ तो अपने धर्म के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य है, जिस देश में बहुसंख्यक लोग सनातन धर्म को मानते हैं, उसी देश में उन्हीं बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। मुझे बहुत दुख है, जो भाईचारे की बातें करते हैं, देखें वो अपने भाइयों की भावना के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। बहुत तकलीफ है मुझे, परंतु मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से, मैं ये कहना चाहूंगा सभी देशवासियों को, अब जितना जल्दी हो सके आप सभी लोगों को एक अर्जी दाखिल करनी चाहिए, कोर्ट से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे शिव इतने दिनों से 353 सालों से नंदी अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 353 साल हो गई स्वामी से बिछड़े हुए नंदी को, तो अब कोर्ट जितना जल्दी हो सके, दो कार्य इस समय बहुत शीघ्रता से हमको करना चाहिए। एक तो कि हम सभी लोग जितने भी ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहां पर अभी ये वजू नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा है कि हमें वही वजू करने दिया जाए। ये बहुत दुखद है, बहुत कष्टप्रद है। अब उस मंदिर क्षेत्र में एक तो निवाज अदा ना हो, दूसरा एक पुजारी जी, जब तक कोई ये केस क्लियर ना हो जाए, एक पुजारी जी अवश्य लग जाए। मुझे लगता है देवकी नंदन जी से संपर्क कटा है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, हम आपको दूरी बता रहे हैं, 85 फीट नंदी और जो नंदी स्थापित है मंदिर के अंदर और जो शिवलिंग वजूखाने में मिला है, उसके बीच की दूरी 85 फीट है, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देवकी नंदन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। देवकी नंदन जी, आपने तस्वीरें देखी होंगी, अब जो वीडियो दुनिया के सामने आया उसे आपने भी देखा होगा, सबसे पहले आपके जहन में क्या आया इस तस्वीर को देखकर? मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे मन में तो यही आया, मुझे तो लगा कि मेरे शिव प्रकट हो गए, मुझे लगा कि मेरे गोविंद ने, मेरे शिव ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। अब मैं यही चाहता हूं कि कोर्ट जल्दी से जल्दी हमें ये एक पुजारी जी को वहां लगाने की अनुमति दे, जिससे शिव जी की पूजा हो सके, अर्चना हो सके और वंदना हो सके। ये हम सब के लिए बहुत कंपलसरी है, तो यही मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। और जो लोग बातें कर रहे थे, आज दो दिन पहले जो मीटिंग हुई है उसमें शरीयत की, अब ये बताएं जरा कि यहाँ पर ये वजू करते रहे, कुल्ला करते रहे, यहाँ पर वो हाथ पांव धोते रहे, अब कृपा करके बताएं, अगर शिव जी यहाँ आ गए जिसकी छवि सबके सामने आ गई, क्या ये क्षमा मांगेंगे? इन सबको क्षमा मांगनी चाहिए, सॉरी बोलनी चाहिए अपने बड़े भाइयों को, सनातनियों को कम से कम हाथ जोड़ के क्षमा मांगे कि हमसे ये अपराध हुआ, हमें क्षमा करिए, क्योंकि ये जानते थे यहाँ से शिव जी हैं, और इसके बाद भी ये ऐसा कार्य करते रहे, ये बिल्कुल भी भारत के लिए अच्छी बात नहीं कि ये लोग हमारे देवी देवताओं का इस तरीके से अपमान करते हैं। हम आज भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके शिव जी की पूजा का अधिकार हम सब सनातनियों को मिले, और ये जो जगह है, कोर्ट जितना जल्दी निर्णय ले सके उतना जल्दी निर्णय लेकर हम सब सनातनियों को उस स्थान को सौंपे, उस मंदिर को सौंपे, जिसे 353 साल की प्रतीक्षा समाप्त हो। बिल्कुल देवकी नंदन जी, एक सवाल और मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, मुस्लिम पक्ष अभी भी कह रहा है कि यह फव्वारा है, और यह भी कह रहा है कि फव्वारा कुछ सालों से नहीं चला है, लेकिन ये वजू खाने के बीचों बीच उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाया गया था, लेकिन तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता है कहीं से फव्वारा है, फिर इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? अभी भी मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है ये फव्वारा है, कोर्ट में भी दलील यही दी जा रही है। विवेक जी, इनसे पूछिए और कितनी मस्जिदों में फव्वारे लगाए इन्होंने, इनसे ये पूछिए, इनसे अगर कोई ये पूछे कि और कितनी ऐसी मस्जिद है जिन्होंने, जिनमें इन्होंने फव्वारे लगा रखे हैं, जिनमें इन्होंने क्या नाम है त्रिशूल के चिन्ह लगा रखे हैं,
जिनमें इन्होंने श्रृंगार गौरी विराजमान कर रखी हैं, गणेश जी विराजमान कर रखे हैं और शिखर के ऊपर मंदिर बना, शिखर के ऊपर इन्होंने गुम्बद बना रखी है। ऐसे कितने मंदिर और है, इनकी कितनी मस्जिदें ऐसी, आपको पता चलेगा विवेक जी, ये जानबूझकर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा से शांति के पथ को अपनाया है, कोर्ट के पथ को अपनाया है, लेकिन इन लोगों ने हमारी भावनाओं को कुचलने में कोई खैर कसर नहीं छोड़ी है। और ये बड़े दुख की बात है, कहने को भाईचारे की बात है, लेकिन हमें सिर्फ चारा समझा गया है। लेकिन कोर्ट हमारे सामने नहीं होता, न तो हमें राम जी मिलते, न आज हमें शिव जी मिलते, और ना ही हमें कृष्ण के मिलने की आशा होती। ये तो धन्य है कि हमारे कोर्ट में हमें जाने की अनुमति है और हम वहां जाकर अपने शिव जी का अधिकार अवश्य प्राप्त करेंगे। यहाँ शिव जी की ही पूजा होगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। देवकी नंदन जी, दो मिनट का वक्त लूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो एक बार दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस तस्वीर को देखिए, ये स्तंभ हैं जो ज्ञानवापी मंदिर के, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हैं। ये वो स्तंभ हैं जिन स्तंभों पर त्रिशूल की आकृति बनी हुई, ये त्रिशूल की आकृति आप देखिए, इसे मिटा पाना आसान नहीं, आप नहीं मिटा सकते इसे खुरच कर नहीं मिटाया जा सकता, इसे किसी कीमत पर नहीं मिटाया जा सकता, इसलिए औरंगजेब भी इसे नहीं मिटा पाया। और वीडियोज आपको दिखाते हैं जिसमें आपको हर एक स्तंभ पर त्रिशूल के निशान मिलेंगे। ये देखिए, ये यहां पर भी, ये देखिए, ये भी, ये देखिए, ये त्रिशूल का निशान आप देख रहे हैं, ये एक और स्तंभ है, ये भी त्रिशूल के निशान को उकेरा गया है, ये पत्थर पर उकेरी गई निशानियां हैं, आप इसे नहीं मिटा सकते, इसलिए औरंगजेब भी निशानियों को नहीं मिटा पाया। और आपको दिखाते हैं इस पर, आप खासकर इन स्तंभों पर अगर आप वो ये कलाकृतियां देखेंगे तो आपको ये साफ तौर पर नजर आएगा कि ये स्तंभ जो है वो हम मंदिरों में देखते हैं। ये आप अगर इन स्तंभों को देखेंगे, ये देखिए एक और त्रिशूल की आकृति उकेरी गई है पत्थर पे, इसे भी नहीं मिटाया जा सकता। तो ये स्तंभों को देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि ये स्तंभ जो है ये मंदिरों में होते हैं। ये स्तंभ भी आप देखेंगे, ये देखिए, ये कलाकृतियां देखिए आप, पत्थरों पर जो नक्काशी उकेरी गई है ये भी मंदिरों में दिखती है। ये एक और त्रिशूल का निशान, और ये एक और त्रिशूल का निशान आपको दिख रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु है वो दावा करते हैं कि किसी भी ऐसी जगह से नमाज नहीं की जा सकती जो कब्जाई गई हो। देवकी नंदन ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास चलेंगे। देवकी नंदन जी, सवाल यह है कि हर एक जगह पर त्रिशूल के निशान हैं, इसके अलावा हिंदू मंदिरों में जो स्तंभ दिखते हैं वैसी नक्काशी पत्थरों पर उखेरी गई है, ये त्रिशूल के निशान के बीच बाकी जो और निशान है उनके बीच मस्जिद में नमाज कैसे की जा सकती है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु भी ये कहते हैं कि ऐसी जगह से नमाज संभव नहीं है। देखिए, ये वो वाली बात है, यहां पर ये नमाज अदा करना नहीं आते, हमको लगता है ये सिर्फ हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आते हैं, जबकि कुरान इस बात को कहता है कि जहां पर किसी देवी देवता की पूजा होती हो वहां पर आप नमाज अदा नहीं करेंगे, अगर आप नमाज अदा करेंगे तो खुदा उसे स्वीकार नहीं करेगा, जब खुदा उसे स्वीकार करेगा ही नहीं तो फिर वहां नमाज अदा करने, वहां पर खुदा आपकी उस नमाज को स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब है आप लोक भी बिगाड़ रहे हो हम लोगों के साथ बिगाड़ के, और परलोक भी बिगाड़ रहे हो, आप अपना परलोक भी बिगाड़ रहे हो, तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज होगा। लेकिन इन बातों की इनकी परवाह, इनको परवाह नहीं, क्योंकि वो जगह आपने देखा, इन जो पिलर बने हुए इनमें ब्रह्म कमल बना हुआ है, ब्रह्म कमल के चिन्ह बने हुए हैं। अब किसी भी मस्जिद में ब्रह्म कमल के चिन्ह और कहीं है क्या? जबरदस्ती मंदिर को ढाकर, और मैं एक विदेशी पर्यटक आए थे, उनकी किताब, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये मंदिर तोड़कर इसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया है, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूं। और जो तस्वीर सामने आई है उससे ये बात काफी हद तक इसकी पुष्टि होती नजर आ रही है। सोहन लाल आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस मामले में पहले याचिकाकर्ता हैं और अदालतों के चक्कर भी लगाते रहे। सोहन लाल जी, जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे थे, जिसकी बात आप कर रहे थे, वो अब दुनिया ने देख ली है। शिवलिंग की तस्वीर, शिवलिंग का वीडियो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, तस्वीर एकदम क्लियर है, पिक्चर साफ है कि ये शिवलिंग नजर आता है पहली दृश्य में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही शिवलिंग है जिसे हम लोग जांच कमीशन में देखे थे, और हमने बाहर निकलते ही कहते बाबा मिल गए, और हमने वी का चिन्ह लगाया था, उसमें हर्षित थे, उत्फुल्लित थे, और आज भी हम जब सबके सामने प्रमाण आया, सारे दुनिया के सामने प्रमाण आया, तो भी हम हर्षित हैं। नहीं, वो दिन भी सोमवार था, 16 तारीख को, जिस दिन वजू खाने का पानी सुखाया गया था, और आज का दिन भी सोमवार है, इसमें भी कोई संयोग देखते हैं आप? हाँ, अब ईश्वर की कृपा, महादेव देवादिदेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति की कृपा है, हमें याद आ रहा है कि लोग
नंदी के कानों में जाकर कहते हैं कि तुम हमारा दुख दूर करो। लगता है कि नंदी हम लोगों के कानों में आकर कि महादेव का उद्धार करो। तभी तो 84 से हम लगे हुए थे बाबा के उद्धार करने में, 95 का वाद दाखिल किए थे, जांच कमीशन का करवाए थे और आज वह दिन आ गया। सोनलाल जी, लेकिन मुस्लिम पक्ष अभी भी कह रहा है कि यह शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है और इसे वो साबित भी कर देंगे अदालतों में। भाई मुस्लिम पक्ष को हम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जानते हैं। वो अटकाने भटकाने लटकाने काम में षड्यंत्र करते रहते हैं, भटकाते रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं उनके तरीकों को, उनके तरीकों को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं और वह अंत तक ही फुहारा फवारा कहते रहेंगे। लेकिन है शिवलिंग, शिवलिंग ही रहेगा। अंदर की और काफी तस्वीरें सामने आई हैं। हमने देखा कि जो मस्जिद के जो स्तंभ हैं उस पर त्रिशूल के निशान बने हुए हैं। स्तंभ जो है वो मंदिरों के स्तंभ नजर आते हैं। इसके अलावा मगरमच्छ की एक टूटी हुई मूर्ति नजर आ रही है। बहुत सारी चीजें, पुष्प कमल दल हमारे साथ वो भी दिख रहा है। विष्णु शंकर जैन भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे, हिंदू पक्ष के वकील भी हैं। विष्णु शंकर जी, जो तस्वीर सामने आई है उसे तो पिक्चर क्लियर होती है कि ये शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। देखिए, अब सांच को आंच की जरूरत नहीं होती है, हम सबके सामने सच है। और जो कन्विक्शन मेरा कमीशन की कार्रवाई में था, जो कन्विक्शन मेरा उस समय कोर्ट जाने में था, जो कन्विक्शन मेरा आज है, वही कन्विक्शन मेरा समय के अंत तक रहेगा कि वो भगवान शिव का शिवलिंग है। और वहाँ पे देखिए कितनी सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस साथ में है। बगल में कुआं है, नीचे हिंदू मंदिर के खंभे हैं, देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, जो पिलर्स हैं वो हिंदू मंदिर के, संस्कृत के श्लोक हैं, त्रिशूल है, स्वास्तिक है। तो ये सारे चिन्ह कभी किसी मस्जिद में नहीं हो सकते हैं। नंदी से ठीक 83 फीट की दूरी पे फर्स्ट फ्लोर पे ये शिवलिंग मिला है और मुझे लगता है इसका और विराट स्वरूप है। और आप नेचर देखिए ना, जब हमने सर्वे की मांग की तब मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, जब ऑनरेबल कोर्ट ने एएसआई सर्वे को ऑर्डर किया तब मुस्लिम पक्ष ने उसका विरोध किया। जब हम इस मामले की चाहते हैं डे टू डे सुनवाई हो तो उसमें अड़ंगा डाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि उनको इस देश के जुडिशियल प्रोसेस में और जुडिशियल मैकेनिज्म में भरोसा नहीं है। और पिछले 30 से 32 सालों से सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके। और मैं तो कहता हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट शिवलिंग में निकलने के बाद उनके उल्टा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर देवता विराजमान है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी बातें हमने अपनी प्लेंट में लिखी थी हर एक बात सच साबित होती दिख रही है। हर एक प्लेंट का पैरा सच की कसौटी पे खरा उतर रहा है। और आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने अपनी प्लेंट में कहा था कि वहां पे देवता विराजमान है, वहां पे विजिबल देवता है। और वो आज जब भगवान शिव का वहां पे शिवलिंग मिला है तो कोई भी उसे देख के नहीं कह सकता है कि वो शिवलिंग नहीं है। आप उसको फाउंटेन बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि जो सीमेंट जैसा मटेरियल है वो बाहर से लगाया गया है, उसमें 5 खाचे बने हुए हैं, 63 सेंटीमीटर का छेद हुआ है। और अगर आप इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लें, 2.5 फीट का शिवलिंग है जिसपे 63 सेंटीमीटर का छेद है, 0.5 फीट तब भी बाकी रह जाता है। तो अगर ये फाउंटेन था तो सवाल उठता है पानी कहाँ से आ रहा था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, पावर कहां से जनरेट हो रही थी। और इस तरह का फाउंटेन मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा है। और अगर मैं चैलेंज करता हूं मुस्लिम साइट्स को कि अगर उनके पास ऐसा किसी भी मस्जिद में ऐसा फाउंटेन है तो उसकी फोटोग्राफ्स और वीडियो सार्वजनिक करें। विष्णु शंकर जी, एक सवाल यह भी कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं और जो बातें अब निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद आप लोगों का रोड मैप क्या होगा? क्योंकि तस्वीर तो अब दुनिया के सामने है, सभी ने देख लिया कि वहां पर वजू खाने में क्या है। देखिए, हमारा रोड मैप यही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय नीड ऑफ दी आवर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मैटर में इंटरवीन करे, इस मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इमीडिएटली रिपील किया जाए क्योंकि 32 साल से मैटर कोर्ट में लंबित है। और साथ ही साथ इस बात की भी चिंता करने की जरूरत है कि हमारे देश में एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम है जहाँ पे अगर नदी में पॉल्यूशन हो रहा है, बिल्डिंग सही बनी है कि नहीं बनी है, उसके लिए विशेष कोर्ट बनी हुई है, रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के उसकी अध्यक्षता करते हैं, सीधे फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है। पर जो इस तरह के मामले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है, इसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल्स नहीं बने हुए हैं, इसके लिए डे टू डे सुनवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरी मांग यही है कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई की जाए, स्पेशल कोर्ट्स बने, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट रिपील किया जाए और त्वरित न्याय होकर लोगों के सामने सच आ सके। विष्णु जी, अगर शिवलिंग मिला है तो उसकी नियमित पूजा भी बहुत जरूरी है और बहुत लंबे समय से 353 साल से इस शिवलिंग की पूजा नहीं हुई है, तो इस मामले में भी आप लोग कुछ विचार कर रहे होंगे?
जी बिल्कुल, हमारी पेटिशन में ऑलरेडी पूजा का अधिकार हमने मांग रखा है। रिलीफ नंबर ए और बी में पूजा का अधिकार स्पष्ट रूप से मांगा है, और मैं तो आपके माध्यम से सारे शंकराचार्यों से, सारे पुजारियों से, सारे महंत लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमें एक प्रक्रिया अडॉप्ट करनी है कि इस शिवलिंग की शुद्धि कैसे की जाए, और इसके बाद वहाँ पे पूजा का अधिकार हमें मांगना है, और जब पूजा का अधिकार मिलेगा तो वहाँ से नियमित रूप से पूजा पाठ चालू होना चाहिए। एक सवाल और कि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार ये दावा करता है कि ऐसी किसी जगह से नमाज नहीं की जा सकती है जो कब्जे की गई हो या फिर जो हड़प कर बनाई गई हो, लेकिन यहाँ पर तो हर एक पत्थर ये गवाही दे रहा है, हर एक निशान ये गवाही दे रहा है कि ये पहले मंदिर रहा होगा, फिर इस पर मस्जिद बनाई गई होगी, फिर यहाँ से नमाज की आवश्यकता क्या थी? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और आपने जो बात पूछी है वो दीन मोहम्मद के जजमेंट में पैरा 40 में लिखी है, सिविल सू अरे यार कट गया, आप बोल तो नहीं, आवाज सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936 में यही बात लिखी हुई है कि जो जगह कब्जा करके बनाई गई है वहां पे नमाज कबूल नहीं हो सकती। ठीक है विष्णु जी, आपके पास वापस आएंगे, कॉल आपका कटा है। जो बात आप कह रहे थे कि तमाम शंकराचार्यों से, महंतों से आप ही अपील करना चाहेंगे कि वो इसमें, इस मुहिम में सामने आए और जल्द से जल्द वहां पूजा शुरू कराने के लिए इस मुहिम से जुड़े, मैं इस पर देवकी नंदन ठाकुर जी का एक रिएक्शन चाहूंगा। देवकी नंदन जी, देखिए विवेक जी, विष्णु जैन जी को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और विष्णु जैन जी ने जो मेहनत की है और आपके जो पिताजी ने मेहनत की है वो एक अद्भुत मेहनत है, और उस मेहनत का फल यह है कि आज हमारे सामने बाबा शिव प्रकट हो गए हैं। और मैं विष्णु जैन जी से फिर एक बात कहूंगा कि आपकी इस मुहिम में हम आपके साथ हैं, सारे धर्मगुरु आपके साथ हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और मैंने अभी आप, जब मैं आपके चैनल पे जुड़ा था तभी मैंने एक बात कही थी कि जितना जल्दी हो सके हमें पूजा का अधिकार मिले, जिससे वहां पर एक पुजारी जी नियुक्त किए जाएं, जिससे शिव जी की पूजा नित्य प्रारंभ हो। 353 साल बहुत होते हैं साहब, और वहां पूजा करने का अधिकार, पहले श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है, फिर बाद में इन लोगों ने वो कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बंद हुई है, तो हम चाहेंगे कि वो फिर से पूजा प्रारंभ हो और हमारे बाबा शिव की पूजा प्रारंभ हो, जिससे बाबा भी प्रसन्न रहे और हम सबका कल्याण करें, और इनकी नमाज वहां पर बंद हो जानी चाहिए। अब उस जगह पर इनकी नमाज ना इनके लिए, क्योंकि इनका कुरान नहीं स्वीकार करेगा इस बात को कि जहां शिव विराजमान है वहां ये नमाज अदा करेंगे, तो बिल्कुल भी इनका कुरान भी उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, तो न तो इनके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। जी, विष्णु जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, मुझे लगता है विष्णु जैन हालांकि चले गए, लेकिन आप ये कह रहे थे कि बुत परस्ती इजाजत नहीं देता शरीयत, तो यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती रही है, यहाँ पर स्तंभों पर मंदिरों के निशान है, त्रिशूल के निशान है, तो ऐसे जगह में नमाज नहीं हो सकती है, ये कह रहे हैं आप देवकी नंदन जी? जी मैं यही कह रहा हूँ, और ये कुरान में, ये मैंने तो मौलवियों के मुख से सुना है, चाहे राम मंदिर की डिबेट रही हो, चाहे अभी ज्ञान वापी मंदिर की डिबेट रही हो, मैं इन दिनों में काफी टीवी चैनलों पर आया हूँ, तो इन हमारे महानुभाव जो मौलवी जी रहे उनके साथ काफी डिबेट हुई है, उन्होंने कई बार ये बातें कही हैं डिबेट के अंदर टीवी पे कि जहां पर कोई अन्य स्थान होता है, कुरान में ये लिखा है जी कि हम लोग वहां पूजा नहीं कर सकते, तो जब आप ये पूजा नहीं कर सकते और वहां शिव जी बैठे हुए हैं, नंदी का मुख उधर है और गणेश जी वहां विराजमान है, श्रृंगार गौरी वहां विराजमान है, और स्कंद पुराण का प्रमाण है वहां पर कि ज्ञान बाप शब्दी क्या है साहब, देखिए ना साहब, ज्ञान बापी मतलब क्या है, ज्ञान का कुआ, इनके यहाँ तो संस्कृत का शब्द इस्तेमाल होगा ही नहीं ना, इनके यहाँ तो उर्दू इस्तेमाल होगी, तो इनके कुरान में कहीं ज्ञान बापी शब्द है क्या? अगर ज्ञान बापी उर्दू शब्द नहीं है तो इसका मतलब है कि ये तो हमारे शिव जी हैं, आप जबरदस्ती शिव जी का अपमान करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा जितना जल्दी हो सके वहां पूजा शुरू की जानी चाहिए। बिल्कुल, सोहनलाल आ रहे हैं हमारे साथ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सोहनलाल जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं 16 तारीख को क्या हुआ, मैं वो पूरी कहानी बताई जिसकी तस्वीर अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 16 तारीख को ताला खुला, आप अंदर गए, उसके बाद वहां पर कैसे वजू खाने की बात कैसे आई, उसके पानी को सुखाने की बात कैसे आई, वो पूरा एकदम आप वाकया पूरा बताएं शुरू से लेकर अंत तक, क्या कुछ हुआ उस दिन? पहले तहखाने में हम लोग गए, तहखाने में स्पष्ट जो है स्पष्ट शिवलिंग दिखाई, आकृति दिखाई दे रही थी, और संस्कृत के शिलापट दिखाई दे रहे थे,
पहले तहखाने में और दूसरे तहखाने में, इसी तरह कई प्रमाण हिंदुओं के थे, त्रिशूलों त्रिशूल की कतारें, यहाँ तक कि घंटियों की लंबी कतारें और तो कमल पुष्प की कतारें दिखाई दे रही थी, बड़े बड़े स्वस्तिक चिन्ह थे और जो है कमल पुष्प के कमल पुष्प बहुत बड़े बड़े हर जगह आच्छादित हुए थे, कितना प्रमाण बताया जाए। और जहाँ यहाँ वह स्थान जहाँ नमाज पढ़े जाते हैं, बारह फीट के शिलाखंड, अढ़ाई तीन तीन फीट के थे, उसमें सूर्य और चंद्रमा की कतारें हुआ करती थी। और अंत में, हाँ अंत में जो है वहाँ जो जो ढांचा है, ढांचा में भी जो है जब हम लोग गए तो मंदिर का ढांचा अलग था। ये ऊपर जिस तरह मुस्लिम समाज अपना जालीदार टोपी पहनता है, वह ऊपर सफ़ेद रंग का जो यह ढांचा लगा हुआ है, हमें याद आ रहा है 62/1936 के दीन मोहम्मद के फैसले में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि यह ढांचा मुस्लिम ढांचा यह टूट गया, ज्ञानवापी का ढांचा टूट गया, तो मुस्लिम समाज को पुनः ढांचा बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, ढांचा तभी बनाने का अधिकार रहेगा जब हिंदू समाज सहमति दे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां सारे प्रमाण हिंदुओं के पक्ष में है। और अंत में आते हैं वजू का, जो 35x35 का जो कुआं है, जो कमर इतना पानी था, पानी यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सारे के सारे प्रमाण ये इशारा कर रहे हैं कि ये मंदिर थे और मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने इस पर मस्जिद बनवा दी, जो 353 साल पहले जिस घटना को अंजाम दिया गया। आपका बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।